तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज यूपी सरकार और संगठन के बीच में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है और इस बैठक को यूपी के सियासत के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। और इस बैठक में सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री भी शामिल होंगे और इस बैठक के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन पीएस संतोष पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी शामिल हैं जो पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं। प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर और गोविंद नारायण शुक्ला भी पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं। तो यूपी बीजेपी की यह बहुत बड़ी बैठक, और इस वक्त का अपडेट आपको दे दें कि कई जो पदाधिकारी हैं संगठन के वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में पहुंच गए हैं। बीएस संतोष इसमें शामिल है, स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष वो शामिल है। सियासी सरगर्मियों के बीच आज बीजेपी संगठन की एक बड़ी बैठक होने वाली है और हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए इस वक्त बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव है संगठन वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं पार्टी कार्यालय पर। बस अभी अभी वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट से, सीधे यहाँ पहुँचे हैं। जेपीएस राठौर जी मौजूद हैं, गोविंद नारायण शुक्ला जी मौजूद हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बीएल संतोष अब खुद पार्टी कार्यालय में जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष साथ में, तमाम सारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जो महामंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं ये बैठक एक बड़ा संदेश देने वाली है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सियासी गतिविधियाँ चल रही हैं उसको लेकर। और आप ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे यहाँ पर जस्ट पहुँचे हैं अभी अभी, तुरंत एयरपोर्ट से सीधे पहुँचे हैं। बैठक बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त शुरू होगी जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं पार्टी के, जो प्रदेश महामंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तमाम सारे लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, बीएल संतोष दो दिनों तक लखनऊ में रहेंगे, तमाम सारी बैठकें करेंगे। पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना है कि इस तरह की बैठकें होती रहती, लेकिन सियासी सरगर्मियों के बीच बीएल संतोष का, यूपी प्रभारी राधामोहन सिंह का लखनऊ आना, बैठकें करना, दो दिन तक रहना, कई सारी चीज़ें ऐसी है जिसका सभी को इंतज़ार है और सभी को ये इंतज़ार है कि आखिर इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या पार्टी 2022 के चुनाव के लिए अभी से एक रोड मैप पर चर्चा करने जा रही है, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने उस पर चर्चा होने, या फिर जो और सियासी सुगुगाहट है उस पर भी चर्चा होगी। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। हमारे संगठन की एक नियमित बैठकें होती हैं जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन का प्रवास समय समय पर होता रहता है। वो सभी प्रदेशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जाना होता है, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का जाना होता है। उस निमित्त एक नियमित बैठक है जिसमें माननीय बीएल संतोष जी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दो दिन के प्रवास पर यहाँ पर हैं, जिसमें सभी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं से जो पदाधिकारी हैं उसके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। अन्य जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ भी अनौपचारिक बातचीत होती रहती है।